हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 3K पे हैं और कह रहे हैं निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 24 डिग्री और माइनस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी का, ये किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस में कॉस स्क्वायर ए के। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आपका बी है और ये आपका ए है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन में 6 प्लस का 24 डिग्री और साइन में 6 माइनस का 24, ऐसे कर सकते हैं। तो साइन में ये 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ साइन में -का 18 डिग्री। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस ऑफ साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। तो यानी आ जाएगा यहाँ पे देखिए क्या, माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री और इंटू में साइन 18 डिग्री। ठीक है, चलिए तो साइन 30 का वैल्यू जानते हैं 1/2 और साइन 18 का √5 माइनस का 1/4, यानी कि माइनस ऑफ √5 माइनस 1 और 1/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 12 है। साइन स्क्वायर 48 माइनस का कॉस स्क्वायर 12 है। हम लोग पढ़े हुए हैं यहाँ प्रॉपर्टी कि कॉस ए प्लस बी इंटू में कॉस ए माइनस बी के लिए कॉस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए, या उल्टा दिया हुआ तो इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 12 डिग्री और माइनस का साइन स्क्वायर 48 डिग्री। देखिए इसी फॉर्म पे हो गया, तो माइनस ऑफ यहाँ कॉस, यहाँ पर ए के जगह पे है कितना 48 डिग्री और बी के जगह पे 12 डिग्री, कॉस 48 माइनस का 12। चलिए यहाँ माइनस में कॉस 60 डिग्री हो जाना है और यहाँ पर कॉस 36 डिग्री हो जाना है। माइनस इसका 1/2 और कॉस 36 डिग्री का होता है √5 प्लस 1/4, नहीं आ जाएगा माइनस में √5 प्लस 1 और 1/8, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पे क्या करा है, थ्री यहाँ पे दिया हुआ कि साइन स्क्वायर 126 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मानेगा। साइन 60 का तो पता है, एक काम करो इसे साइन 90 और प्लस का 36 कर सकते हैं 126 से, तो माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 90 माइनस कॉस हो जाएगा, यानी ये कॉस स्क्वायर 36 डिग्री हो जाएगा और माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 है। अब देखिए हमारे पास, हम लोग पढ़े हुए कि कॉस 36 डिग्री का वैल्यू प्रूव करके देख चुके हैं √5 प्लस 1/4 होता है, तो इसी को रख देते हैं √5 प्लस 1 और 1/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो आ जाएगा ऊपर √5 प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 16 और ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 4। चलिए अब इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे देखिए क्या आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इधर एलसीएम हो जाएगा आपका 16, ठीक है ना जी, 16 ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में √5 इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और माइनस में से भाग करेंगे 4 4 3 12। तो ऊपर देखिए 5 प्लस का 2 √5 प्लस का 1 माइनस 12 बट्टा में 16। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर देखिए यहाँ पर 2 √5, ठीक है, और यहाँ देखिए 5 1 6 6 6 आ जाएगा यहाँ पे बटा में 16, ऊपर से 2 कॉमन √5 माइनस का 3 और बटा में 16, कट जाएगा 8 बार में, तो √5 माइनस 3 और बटा में 8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, इसका मान ज्ञात करना है कॉस π/10। π/10 का मतलब 18 डिग्री से और कॉस 13π/10 दिया। एक काम करते हैं, पे देखिए कॉस π/10 और प्लस में से कॉस π प्लस का 3π/10 कर सकते हैं, यही आ जाएगा। हम लोग पढ़े हुए हैं कि कॉस पाई प्लस थीटा जो होता है माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, थर्ड क्वार्टर में माइनस में हो जाता है, यानी कि हो जाएगा कॉस π/10 और माइनस में कॉस 3π/10। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि कॉस π/10 यानी कि कॉस 18 डिग्री का वैल्यू जो होता है, कॉस 18 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, तो होता है आपका √10 प्लस का 2 √5 और 1/4, ये होता है उसका, ठीक है। और कॉस 54 डिग्री का, 3π/10 का मतलब 54 डिग्री से है, कॉस 54 डिग्री का होता है √10 माइनस का 2 √5 और 1/4, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है ना जी। इसी को अप्लाई कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा √10 प्लस का 2 √5 / 4 और यहाँ आ जाएगा √10 माइनस का 2 √5 / 4, 4 4 1/4 1/4 दोनों जगह है कॉमन कर लो, तो आ जाएगा √10 प्लस का 2 √5
और माइनस रूट अंडर 10 माइनस का 2 रूट 5, यही हो जाएगा आपका, समझे ना जी। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, सिद्ध करें कि यहाँ सिद्ध करना है कि इसका वैल्यू -1/4। इसका LHS लेते हैं, साइन पाई बाई 10 यानी साइन 18 और यहाँ पे साइन 13 पाई बाई 10 दिया। तो एक काम करते हैं यहाँ पे साइन पाई बाई 10, यहाँ पे क्या करते हैं साइन पाई प्लस का 3 पाई बाई 10 कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा के लिए ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो साइन पाई बाई 10 ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 10, तो माइनस बाहर लगा दिया वहाँ पे। तो साइन अगर 18 डिग्री की बात करें तो रूट अंडर 5 -1/4, और साइन 54 डिग्री की बात करेंगे तो साइन 54 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे √5 + 1/4। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस में आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, और नीचे 16 हो जाएगा। तो माइनस वहाँ पे 5 - 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे 16, यानी आ जाएगा आपका माइनस का 4/16 कट जाएगा, -1/4, यही ना लाना था रे चेस में, हमने ला दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th नंबर है, सिद्ध करना है। इसका LHS लेते हैं, LHS में दिया है 4 sin 24 डिग्री और प्लस में cos 6 डिग्री इक्वल टू में, हमें प्रूव करना है √5 √3 + √15। चलिए देखते हैं, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं cos में, ये cos कितना में हो जाएगा जी आपका, आ जाएगा 90 और माइनस का ये आपका 24 कर देंगे, cos 90 माइनस का 24 प्लस का cos 6 डिग्री, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 4 cos में कितना आ जाएगा जी, ये आपका आ जाएगा 66 डिग्री प्लस का cos 6 डिग्री। तो यहाँ पर cos c प्लस cos d अप्लाई करो, 2 cos c + d/2 cos में c - d/2 यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 4 × 2 cos 66 + 6/2 और cos 66 - 6 डिग्री और 2/2, यानी कि यहाँ से देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 cos में कितना 72/2 और cos में 60/2, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर आपका 8 cos 36 डिग्री और यहाँ पर cos कितना हो जाएगा जी 30 डिग्री। तो cos 36 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √5 + 1/4 और cos 30 डिग्री का √3/2, ये इसे 4 टाइम्स में और 4 से 4 करके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और प्लस में √15 आ जाएगा आपका RHS में, ही ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, सिद्ध करना है कि 10 6 10 42 10 66 और 10 78 = 1 होगा। इसका LHS ले लेते हैं, देखिए 10 6 डिग्री 10 42 डिग्री 10 66 डिग्री 10 78 डिग्री, सबको साइन कॉस में बदल देते हैं, sin 6 / cos 6। यहाँ पे देखिए sin 42 डिग्री और 2/cos 42 डिग्री, sin 66 डिग्री और 2/cos 66 डिग्री, sin 78 डिग्री 2/cos 78 डिग्री। हम लोग इसमें दो दो का पेयर बनाएंगे, कैसे देखो किसको किसको साथ में रखेंगे, तो हम लोग ये 66 वाले को 6 वाले पेयर को एक साथ sin 66 और sin 6, फिर sin 78 और sin 42 को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है ना जी, क्लियर है। अच्छा नीचे यहाँ पे देखिए cos 66 को और cos 6 को cos 78 को और cos 42 को एक साथ कर लेते हैं। अब 2 से हर एक में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इसमें भी, यानी कि 4 से अंश में भी और हर में भी एक साथ लेते हैं, sin 66 sin 6, यहाँ पर देखिए 2 sin 78 sin 42, नीचे देखिए 2 cos 66 cos 6 2 cos 78 cos 42। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin A sin B का, तो फॉर्मूला होता है cos A - B माइनस में cos A + B, ठीक है ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छा और 2 यहाँ पर cos A cos B का जानते हैं, cos A + B और प्लस में cos A - B, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका एक और जानते हैं, इसका एक और हम लोग जानते हैं, इसका यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका माइनस ऑफ cos A + B
और माइनस में कॉस ए माइनस बी, वही एक ही बात होगी, बात को समझ लिया, माइनस बाहर निकाल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रॉपर्टी को यहाँ लगाते हैं, ऊपर हो जाएगा कॉस 66 माइनस का 6 माइनस में कॉस 66 डिग्री और प्लस का 6 डिग्री, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए कॉस 78 डिग्री माइनस का 42 डिग्री माइनस में कॉस 78 डिग्री प्लस का 42 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। चलिए अब इसके बाद देखते हैं नीचे, कॉस 66 डिग्री प्लस का 6 डिग्री और प्लस में कॉस 66 डिग्री माइनस का 6 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ पे कॉस 78 डिग्री प्लस का 42 डिग्री, ठीक है, और प्लस में कॉस 78 डिग्री माइनस का 42 डिग्री, ठीक है ना जी। तो अब इनके यहाँ डिफरेंस देखते हैं क्या क्या आते हैं। यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा कॉस 60 डिग्री माइनस का कॉस यहाँ पर 72 डिग्री, कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पर, आपका आ जाएगा यहाँ पर 36 ना, माइनस कॉस 120 डिग्री। नीचे देखिए कॉस यहाँ पर हो जाएगा आपका 72 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री, कॉस 120 डिग्री और माइनस प्लस का कॉस कितना डिग्री, 36 डिग्री। चलिए अब इनके वैल्यूज को हम लोग रखते जाते हैं, ठीक है ना जी। चलिए तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 72 डिग्री का होता है रूट अंडर 5 - 1/4, कॉस 36 डिग्री का होता है रूट अंडर 5 + 1/4 और इसका -1/2 होता है तो माइनस में +1/2 हो जाएगा। कॉस 72 डिग्री का √5 - 1/4, कॉस 60 डिग्री का 1/2, इसका 1 - 1/2 और यहाँ पे ये यह हो जाएगा कॉस 36 डिग्री √5 + 1/4। चलिए एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना जी। ऊपर एलसीएम लेते हैं, देखिए क्या होता है, एलसीएम होगा यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 - √5 और यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, √5 + 1 यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। नीचे देखते हैं 4 ये आ जाएगा आपका √5 - 1 और प्लस का 2 आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा -2 और प्लस का √5 + 1। चलिए देखते हैं क्या होता है, ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा आपका हो जाएगा 3 - √5, ऊपर 3 + √5। नीचे देखिए √5 - +1 यहाँ पे √5 - 1, तो ऊपर देखो 3 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे √5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 में से 5 गया, यहाँ 5 में से 1 गया, तो ऊपर आ जाएगा आपका 4 नीचे भी 4 कट के 1 आ गया, हमें आरएचएस में 1 ही तो लाना था, ला दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, यहाँ पर सिद्ध करना कि 10 20 10 40 डिग्री 10 80 डिग्री इक्वल टू में 10 60 डिग्री होगा, ऐसे एलएचएस लेते हैं 10 20 डिग्री 10 40 डिग्री 10 80 डिग्री, साइन कॉस में बदल लें, sin 20 / cos 20, sin 40 डिग्री / cos 40 डिग्री, यहाँ पर sin 80 डिग्री / cos 80 डिग्री, ये किस तरह से हम लोग यहाँ पर देखिए साइन 20 को ऐसे रखते हैं, अच्छा साइन 40 को हम लोग चाहेंगे तो sin 60 - 20 कर देते हैं और साइन 80 को sin 60 + 20 कर देते हैं। उसी तरह से नीचे देखिए कॉस 20 वैसे रहने देते हैं, cos 60 - 20 और cos 60 + 20, इन दोनों के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर देखिए क्या हम लोग ऊपर के लिए यानी कि sin a - b, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, sin a - b इंटू में sin a + b होता है, तो इसका होता है sin²a - sin²b, और अगर cos a - b इंटू cos a + b हो
इसके लिए आप कर सकते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ऊपर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 माइनस का साइन स्क्वायर 20। नीचे देखिए कॉस 20 है, यहाँ पर हो जाना है कॉस स्क्वायर 60, सॉरी कॉस स्क्वायर 20 ना, कॉस स्क्वायर 20। देख लो यहाँ पर बी के जगह पर, ये बी के जगह पर कितना है 20 है, और ए के जगह पर यहाँ पर कितना है जी 60 है। देख लो, देख रहे हैं जी इसके अकॉर्डिंग, तो यानी आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी और माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इनके वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। साइन 20 डिग्री, इसका होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 20 और यहाँ पर हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। चलिए आगे हम लोग अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। साइन 20 डिग्री ऊपर 3/4 माइनस में साइन 20 डिग्री, और नीचे देखिए कॉस 20, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ पे -3/4। एलसीएम ले लेते हैं, साइन 20 डिग्री अंदर एलसीएम ले लेंगे 4, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर 20। नीचे देखिए कॉस 20 डिग्री, यहाँ नीचे देखिए 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 cos² 20 डिग्री और -3, ये 4 से 4 कट गया। ऊपर चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 3 sin 20 डिग्री और -4 sin³ 20 डिग्री, नीचे 4 cos³ 20 डिग्री और -3 cos² 20 डिग्री। तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि cos³θ जो होता है वह 4 cos³θ माइनस का 3 cos² के इक्वल होता है, और sin³θ जो होता है वह 3 sin² माइनस का 4 sin³θ के इक्वल होता है। तो ये देखिए ऊपर उसी फॉर्म में है, यहाँ हो जाएगा आपका sin³ × 20 और नीचे हो जाएगा cos³ × 20 डिग्री, यानी ऊपर आ जाएगा sin 60 डिग्री और बटा में यहाँ cos 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री। हमें RHS में tan 60 ही ना लाना था जी, हमने ला दिए, समझ गए। यही क्वेश्चन थे, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।